ये बता रहा था कि अगर हम एंगल को छोटा करते जाए और जीरो कर दिया, बी पॉइंट को मूव करते करते ए के पास ले आया, तो ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा, तुमने देखा कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, टैन जीरो जीरो होता है ना, ये समझ में आ गया। लेकिन मैं अभी जीरो नहीं किया, बहुत छोटा है। थीटा इज स्मॉल, और ये फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। और मैं बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया तुम्हें, इफ थीटा इज स्मॉल, ये लिखा है कितना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, बी एम अपॉन ओबी। ओबी क्या है, ओबी इज द रेडियस, रेडियस आर, बी एम, बी एम थीटा स्मॉल है तो क्या कह सकते हैं, बी एम और बी ए ये लगभग सेम होगा बच्चों, थीटा इज स्मॉल। जैसे थीटा बड़ा है तो ये बी एम ये हो गया और बी ए ये हो गया। कुछ बच्चों का माइक ऑन है, वेदांत, जानवी, एग्जाम समझना है अच्छे से कि व्हेन थीटा इज स्मॉल कैन बी से कि बी एम, एम पॉइंट यहां गया तो बी एम और बी ए लगभग सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए, बी ए क्या हो गया, ये आर्क लेंथ, दैट मीन्स एल बाय आर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, थीटा, एल बाय आर को हमने डेफिनेशन दिया, बट दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियन। बच्चों थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये बच्चों नोट डाउन कर लो। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ थीटा इज स्मॉल, एंगल स्मॉल है तो देखो मैंने पहले थीटा थोड़ा बड़ा बनाया, अब क्या किया, बी को पास ले आया, बी डैश लिख लेता हूं, यहां आ गया, और नजदीक ला सकते हो बट बहुत नजदीक में तुम्हें दिखेगा नहीं, तो अभी मैंने ये लिखा है, साइन थीटा का वैल्यू होगा बी एम अपॉन ओबी, ओबी क्या है, रेडियस, इसको मूव करा रहा हूं तो रेडियस तो कांस्टेंट है, अगर ये बी बहुत नजदीक आ गया तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं दिस, ये परपेंडिकुलर जो रेड कलर से भी दिखाया, और ये जो आर्क लेंथ है दोनों लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग जितना छोटा करोगे ये दोनों के बीच का डिफरेंस उतना कम होते जाएगा। अभी जब थीटा बड़ा है तो देखो बी एम ये है और बी ए ये है, कौन बड़ा है, बी ए बड़ा है, बी एम छोटा है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक लाओगे दोनों लगभग इक्वल होने लगेगा, तो बी एम को क्या लिख लेंगे, बी ए, कब लिखेंगे, व्हेन थीटा इज स्मॉल, और बी ए है क्या, आर्क लेंथ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, आर्क लेंथ बाय रेडियस, और एल बाय आर को ही तो हमने, एल बाय आर को ही तो हमने ये थीटा डिफाइन किया है, ये हो जाएगा थीटा। तो हमने अभी क्या देखा बच्चों, हमने अभी देखा इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन दिस थीटा जो लिखेंगे वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, दिस थीटा शुड बी इन रेडियन। अगर कोई लिखा हुआ कि एंगल कितना है, टू डिग्री एंगल इज स्मॉल एंगल, तो साइन टू डिग्री, फाइव डिग्री, तो साइन फाइव डिग्री को कोई फाइव लिख दिए तो ये गलत है, क्योंकि साइन फाइव डिग्री इक्वल टू फाइव लिखना ये गलत है, साइन फाइव डिग्री स्मॉल है, बट इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, पहले 5 into π/180। अब देखो ये रेडियन में एंगल है, सो दिस इज इक्वल टू 5π/180। दैट मीन्स पाई, इसको डिवाइड कर दो पाई बाय, कितना हो जाएगा ये 36। सो साइन 5 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 36। साइन 5 इक्वल टू, ये लिखना क्या है, गलत है। इतना इक्वल टू ऐसे कन्वर्ट करेंगे, व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये लिख लो बच्चों। अब आते हैं सवाल, थोड़ा सा देखते हैं कुछ बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं। अब बच्चा पूछता है कि सर थीटा स्मॉल कितने को बोलते हैं, कब तक हम साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब तक लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा हमेशा नहीं होता है, थीटा स्मॉल होता है तो लगभग बराबर होता है बच्चों, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। हमने क्या किया, थीटा स्मॉल था तो होना चाहिए था दिस, दिस बाय दिस लिख, इसको ये लिख दिया, जब इसको ये लिखा तो इक्वल नहीं लिखना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा स्मॉल। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये थीटा कितना स्मॉल में लिखे, मतलब क्या कोई फिक्स्ड वैल्यू है, नहीं कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि हम इतने को कहेंगे। जैसे सपोज मैं कहूं कि 5 डिग्री को कहेंगे स्मॉल और 5.1 डिग्री को नहीं कहेंगे, 6 डिग्री को नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा, अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें एरर होते जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं करेगा, एरर्स बढ़ते जाएंगे। अगर 5 डिग्री में लिखा तो मान लो कि 0.1% का एरर है, साइन थीटा का वैल्यू कुछ और होगा और साइन थीटा का वैल्यू थीटा लिख दिए तो दोनों में 1% का एरर है, सॉरी 0.1% का। अगर 10 डिग्री में लिख दिया, साइन 10 डिग्री को रेडियन में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा लगा दोगे तो जो एरर होगा वो हो सकता है 0.3% हो जाए, है ना। साइन 30 डिग्री में लिखेंगे तो कितना एरर होगा, क्या साइन 30 डिग्री में, हम 30 डिग्री तो बड़ा एंगल है। तो मैं एक चीज बताता हूं कि देखो, क्या 30 डिग्री में अगर हम साइन थीटा को थीटा लिखते हैं तो कितना एरर है। साइन 30 डिग्री हमें पता है हाफ होता है, हाफ का मतलब 0.5, लेकिन साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 6। जब साइन थीटा इक्वल टू थीटा लगाते हैं तो रेडियन में होना चाहिए, देखो रेडियन में लिख दिया, व्हाट इज पाई बाय 6, 3.14 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 0.52 लगभग। बच्चों ये जो मैंने पढ़ाया ना, बहुत कम लोग ये समझाते हैं कि पता भी नहीं होता ऐसा होता है। अगर 30 डिग्री में भी साइन थीटा को थीटा लिखा तो देखो एरर्स कितना का है, बहुत कम एरर है, 0.5 एग्जैक्टली होता है, और हमने साइन थीटा को थीटा लिख दिया तो 0.52 होगा। मतलब तुम साइन 10 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री में हम आराम से लगा सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा, एरर बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा एरर्स बढ़ते जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें पता होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एक पॉइंट ओ है, तो क्या करो, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो,
सॉरी पी से ये ओ है, ये मान लो पॉइंट है एम। तो बच्चों ये डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स नॉट हमने लिखा, तो ये एक्स नॉट है और ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है वाई नॉट। और राइट एंगल ट्रायंगल से देखोगे तो ये ओपी जो हो जाएगा दैट इज एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये तुम्हें क्लियर है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हें पता है कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं जस्ट चेक करने के लिए, एक बच्चा कुछ एग्जिट हो गया अभी तक आया नहीं, अगर मैं पूछूं किसी से कि बताओ इसमें बताओ मुझे माइनस टू कॉमा थ्री दिखाओ, इसमें वो पॉइंट कहां होगा। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस टू है, तो इधर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट सपोज यहाँ कहीं वन है, माइनस वन है ये, तो यहाँ कहीं माइनस टू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस टू। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओंकार ने सही बताया, वाई कोऑर्डिनेट थ्री दिया, थ्री पॉजिटिव मतलब ऊपर होगा, तो यहां से थ्री डिस्टेंस ऊपर, सो कहीं यहां पे होगा माइनस टू कॉमा थ्री। विराज आ गया जो आउट हुआ था। सो ये मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं तुम्हें आता है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने तो पढ़ने वाले हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीजें, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। सो बच्चों ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल क्वाड्रेंट में जाऊंगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, सबको क्लियर होगा ये। अगर बच्चों मैं ऐसे एंगल ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस से इतना एंगल अगर बना रहा, तो ये जो एंगल है हम क्या कहेंगे, यहां पे जीरो एंगल लेते हैं और ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री, पाई बाय टू या 90 डिग्री। So, इतना एंगल कह सकते हैं दिस एंगल इज फाइव इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट फाइव इज लेस देन 180 डिग्री। इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्स नॉट अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वाई नॉट निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं ये समझा रहा हूं कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसमें ये तीनों पॉजिटिव है, तो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, जैसे यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है बट ये पॉजिटिव है, तो बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा दिस अपॉन दिस है, दोनों पॉजिटिव। What about cos theta in second quadrant? Base negative है, cos theta is negative. What about tan theta? Perpendicular upon base, ये positive but ये negative, तो ये negative. Sin, cos, tan ये तीन देखेंगे, बाकी तुम अपने आप बता दोगे cot क्या होगा, cosec क्या होगा, sec क्या होगा।
जिसको नहीं आता मैं एक बार बोल दूंगा. सो नाउ जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इस तीर में देख रहे हैं तो साइन पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव. कैन यू गेस इसमें क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में? बच्चों अब ये लॉजिक समझना कि ये फॉर्मूला आगे जो हम बढ़ा रहे हैं, साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन, टैन का कॉट, यही पैटर्न रहेगा 90 माइनस थीटा में भी, 90 प्लस थीटा में भी. बट डिसाइड करना है कि यहां प्लस होगा या माइनस. तो मैं ये समझा रहा हूं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहां पे पॉजिटिव साइन होगा. और दूसरा जवाब देना, कॉस 90 प्लस थीटा. अब देखना कॉस कॉस है तो साइन हो जाएगा, तो अपने मन से साइन थीटा तो लिख लो. नाउ यू हैव टू डिसाइड यहां माइनस प्लस दू या माइनस दू. माइनस माइनस साइन, बहुत बढ़िया जवाब दिया है. माइनस दिस एंगल इज एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस जो है वो निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब दिस होल क्वांटिटी इज निगेटिव. तो दिस इज इक्वल टू निगेटिव होना है, इतना इज इक्वल टू एक निगेटिव क्वांटिटी. ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन. बच्चों पैटर्न देखो, एकदम इम्पोर्टेंट चीज चल रहा है. टैन भी लिखेंगे, हालांकि साइन कॉस याद रखो, टैन तो अपने आप आ जाएगा. टैन 90 प्लस थीटा, सॉरी टैन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो टैन का कॉट होता है. अब हमें साइन करना है माइनस माइनस, बिकॉज टैन निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट नंबर, माइनस. हालांकि कोई ऐसे लिखेगा, कोई कहेगा सर मैं एक्स को डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड कर दो तो अपने आप आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस. तो आधा डिवाइड करके बोलो या लॉजिक से बोलो. तो ये क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर. अब आते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा. अब देखना है, इसको समझो, मैं थोड़ा सा एक लॉजिक करता हूं. 90 में माइनस किया या प्लस किया तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टैन का कॉट, उल्टा हो जाता है. और हमने नेगेटिव पॉजिटिव भी डिसाइड कर लिया. अब साइन क्या कर रहा हूं, 180 में से कर रहा हूं, तो क्या होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, उल्टा नहीं होगा. ये मैं बता दिया, इसका प्रूफ है बट मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं बस कह दिया ऐसा होता है, फैक्ट बता दिया सोचो, बट एक पैटर्न तुम्हें दिखेगा. तो 180 में अगर करेंगे प्लस या माइनस तो साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टैन का टैन रह जाएगा. इज इट क्लियर? तो साइन 180 माइनस थीटा में ये रहेगा साइन थीटा. अब डिसाइड ये करना है यहां प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं. प्लस. तो बच्चे हमें देखना है कि ये क्वांटिटी, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का एंगल है. इससे मैं पूछूं, देव की, मेरी फेवरेट स्टूडेंट देव की, बताओ ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? देव की देखो फिर से चली गई टीवी देखने. नहीं अभी बैठी है, नहीं अभी बैठी है. वैभव कहा थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं गलत. विराज ने कहा थर्ड क्वाड्रेंट, रॉन्ग आंसर. सेकेंड क्वाड्रेंट 180 से थोड़ा कम है बच्चों. सेकेंड विराज ने अब कहा सेकेंड. सबको क्लियर है बच्चों कि दिस एंगल इज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव. तो यहां पे पॉजिटिव साइन रहने देंगे. और अब रियल टेस्टिंग होगा, मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं. कॉस
मोमेंटम लूज नहीं करना है. cos 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो माइनस cos थीटा माइनस बिकॉज दिस इज क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और कॉस निगेटिव होता है इसलिए माइनस. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो ऐसे ही दिल जीत लो फिर से मेरा. साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, मैं किससे पूछू, जिससे पूछूंगा उससे. आयुष जाधव, देखते आज का सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा. आयुष जाधव ऑन, माइक ऑन करके बोल सकते हो. सो ये साइन 180 प्लस थीटा समझ में आ गया, कॉस 180 प्लस थीटा समझ में आ गया. अब मैं क्या करता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं. साइन 270 डिग्री माइनस थीटा. अब देखते हैं कि तुम लोग अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं. ये क्या होगा, जो कॉन्फिडेंट है वही आंसर बताएगा माइक ऑन करके. पैटर्न देखना, अभी तक हमने क्या सीखा है, क्या पैटर्न फॉलो करना है. 90 में हुआ था साइन का कॉस, कॉस का साइन. 180 प्लस माइनस किए तो साइन का साइन माइनस कॉस थीटा बन गया. माइनस कॉस थीटा, क्या बात है, माइनस कॉस थीटा. अब साइन का कॉस हो जाएगा बच्चों, 270 में कर रहे हैं तो ये भी अब ध्यान दे दो, पैटर्न समझ में आ गया. साइन का कॉस हो जाएगा, बट निगेटिव या पॉजिटिव, दिस इज एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये थर्ड क्वार्टर में निगेटिव हुआ तो निगेटिव होने वाला है इसलिए माइनस. कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या बात है. और अगर समझ में एकदम सबसे सही सही सबको आ रहा है तो ये जिसको जिसको जवाब दे दिया जिसने सही सही, तो मैं मानूंगा कि उसको एकदम 100% समझ में आया है. साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा और कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा. प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. इसका पहले बताओ, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. देखो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों, माइनस कॉस थीटा. बिकॉज ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ नहीं, 270 तो आ गया यहाँ पे, थर्ड का बाउंड्री आ गया, प्लस थीटा फोर्थ में चले गए. ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है इसलिए माइनस. हमें इसका साइन इसका देखना है. कॉस थीटा तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज थीटा हमने 20 डिग्री लिया है मन में, 20 लो 30 लो 15 लो. अब देखो ये कॉस 270 प्लस थीटा, ये कॉन्फिडेंस के साथ आंसर. लोकेश साहब प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया जवाब, बहुत से एकदम सही से बताई. कॉस का साइन होगा और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. लोकेशा से बहुत ही अच्छा जवाब दिया, प्लस साइन थीटा मतलब समझ में आ गया. और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे ने रिप्लाई बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, सब सही सही मैसेज किए हैं. विराज ने भी सही बताया था प्लस साइन थीटा. तो मुझे लगता है मुझे तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, तुम लोग खुद से कर लोगे. लेकिन एक बार मैं पूछ ही लेता हूं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, एकदम सही
अब देखना 360 में किए तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, तो साइन का साइन, साइन थीटा, और क्या होगा प्लस या माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, निगेटिव होता है, सो माइनस, एकदम सही जवाब, कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस का कॉस प्लस कॉस, प्लस कॉस थीटा, बहुत सही। और अब देखना हमारा सारे पॉसिबल एंगल हमने देख लिया, अब एक और आएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, तो देखो 360 आ गए और प्लस, तो फिर से तो वही आ गए, तो अगर मैं लिखूं कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 घूम गए मतलब यहां से चले और यहां पे आ गए, 360 हो गया थीटा, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब 360 का मतलब हुआ जहां से चले यहां पे आ गए, एक कंप्लीट हो गया, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू जीरो, 360 का मतलब जहां से चले वहां पे पहुंचे और फिर अब थीटा और चलना है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा, तो इसको हम हटा सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि साइन 720 डिग्री प्लस थीटा, कैन यू गेस क्या होगा, ये 720 क्या है, 360 इंटू टू, एक बार चले दो बार चले फिर यहां आ गए थीटा आ गया, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा। सो मैं ये लास्ट ईयर बता रहा हूं कि अगर मैं लिखूं कि साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, इसको मैं साइन थीटा लिखूंगा, सिमिलरली कॉस, एंड एन क्या है एनी इंटीजर, बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं, सो बच्चों ये हमने लिखा है, ये सबको क्लियर है कि पाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री, बट इस फॉर्मेट में लिखने का हैबिट बनाओ, और ये सारा फिल करना है, सारे वैल्यूज फिल करने हैं। सो बच्चों हमने कहा कि इसका कैसा एप्लीकेशन, जो इतने सारे हमने फॉर्मूले पढ़े, तो क्या करना है तुम्हें, इस फॉर्मूला का यूज करके सपोज ऐसे दिया रहेगा, जरूरत पड़ेगा कि कॉस 120 डिग्री कितना होता है, और तुमने तो अभी सिर्फ पढ़ा है 30, 60, 45 भी पीछे पढ़ा था 90, इतना तो तुम्हें आता है, बट ये 120, 150, 210 ये कैसे निकालेंगे, तो हमने उसके लिए औजार तैयार कर लिया, हमने पढ़ लिया फॉर्मूला, रुद्राक्ष ने एकदम सही आंसर दिया, तो चूंकि पहला सवाल है तो मैं ही बताऊंगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा तुमसे, कर सकते हो ऑल्दो, तो क्या करेगा कोई बच्चा लिखेगा सर कॉस 120 डिग्री को लिखेगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कैन बी राइट इन दिस वे, और जैसे ही ये लिखा तो उसका दिमाग की बत्ती जल जाएगी, कह रही मैंने तो पढ़ा है 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, याद है फॉर्मूला, गौरी हाँ तुमने भी सही बताया, बट मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्टली वैल्यू, तुमने रेडियन में कन्वर्ट करके बताया, दैट्स गुड, तो बताओ इज इट क्लियर बच्चों, और ये हो गया माइनस साइन 30 का तो पता है वैल्यू, हाँ, तो रुद्राक्ष ने क्या किया, रुद्राक्ष ने किया कि 120 डिग्री को लिख लिया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड ही गॉट द वैल्यू ऑफ माइनस हाफ,
लोकेशन ने क्या किया, कहा कि नहीं सर मुझे तो 120 डिग्री को ऐसे लिखने का मन करा, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, उसकी भी बात सही है, 120 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, लोकेशन भी ऑल्सो राइट। अगर ऐसे लिखा तो इसका भी फॉर्मूला पढ़ा क्या, cos का cos क्या रहेगा, cos 60 डिग्री लेकिन साइन माइनस होगा, ये पढ़ा है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा और माइनस cos 60 होता है हाफ, इसलिए भी वही फॉर्मूला डिफरेंट लगाया बट आंसर सेम आ गया। सो ये क्लियर हो गया बच्चों, दो मेथड से किया तो ये सारे वैल्यू मैंने लिखी है, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है और मुझे